हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो बात करने वाले हैं इंडियन नेवी SSR और AA की एक नई वैकेंसी 2021 के बारे में। जी दोस्तों, इसका जो है ऑनलाइन का डेट आ चुका है। 26 तारीख से जो है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि 26 तारीख से जो है इंडियन नेवी AAR SSR की जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी बच्चे जो इसका इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। इंडियन नेवी की बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी होती है फ्रेंड्स। इसमें जो है लगभग 2700 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली जाती है। केवल 12वीं पास मांगा जाता है। एज जो है इसमें 18 से कम वाले भी यहाँ पे आवेदन करते हैं, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। इंडियन नेवी की सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो मैं आपको इसमें जो है नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एज क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके बाद से इसका लास्ट डेट क्या है और कैसे आपको आवेदन करना होता है, तो पूरी डिटेल्स बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए और वीडियो को लाइक करिए ताकि और हमें मोटिवेट मिले इसी प्रकार की वीडियो लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके अपने कंप्यूटर का स्क्रीन पे और हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है joinindiannavy.gov.in। ये है इंडियन नेवी की ऑफिशियली वेबसाइट और यहाँ पे देखिए जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है एक यहाँ पे व्हाट्स न्यू वाला जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे जो है आपको डेट मिल जाएगा कि कब से यहाँ पे ऑनलाइन शुरू होगा। तो आप यहाँ पे जो है एरो का तीर दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये रहा, देखिए ये रहा, बोल रहा है कि एप्लीकेशन विंडो फॉर सेलर एंट्री SSR और AA बैच, यहाँ पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि 26 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक जो है यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। ओपन रहेगा फॉर्म 26 अप्रैल से 30 अप्रैल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है। 26 तारीख से इसका जो ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो मैं जो है 26 तारीख के एक और वीडियो लेकर आऊँगा किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिल करनी होती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें पे फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू वाले ऑप्शन में आप भी जो खुद से चेक कर सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, कितना पद रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, कितना हाइट चाहिए, कितना आपका जो है दौड़ होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप जो आ जाएंगे dshelpingforever.com की वेबसाइट पे, मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ आने के बाद से आपको एक पोस्ट दिखाई देता है लाइव अपडेट में, इंडियन नेवी AASSR ऑनलाइन फॉर्म 2021, इस पर आपको क्लिक करनी है। जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पोस्ट ओपन होगा। यहाँ पे देखिए मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि 26 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, लगभग जो 2700 पदों पे जो बहाली निकाली जाती है। ये जो है पद का जो है यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि पिछली साल जो है जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई थी 500 था और प्लस 2200 था, टोटल जो 2700 जो यहाँ पे पदों बहाली निकाली गई थी। तो सेम ये भी यहाँ पे हो सकता है। एप्लीकेशन फी यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए 215 रुपये लगता है, SC ST के लिए यहाँ पे 0 रुपये लगता है और एज लिमिट जो है मैं बहुत ही जल्द अपडेट कर दूंगा। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है बोला गया है इंडियन नेवी SSR AA की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप AA के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जो आर्टिफिशर अप्रेंटिस होता है उसमें जो आपको 10+2 यानी जो है 12वीं क्लास बोला गया है क्वालिफाई होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, जिसमें जो है आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स जो है होना चाहिए और विथ वन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इसमें से केमिस्ट्री बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, मतलब जो है 60% मार्क्स के साथ आपका इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए और उसके बाद फिजिक्स मैथ के अलावा केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से कोई एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होनी चाहिए। फिजिक्स मैथ तो नेसेसरी है उसमें आपके सब्जेक्ट में, और उसके अलावा तीन यहाँ पे बोला गया है केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट भी आपके पास होनी चाहिए तो आप जो है AA के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स SSR यानी 10+2 इंटरमीडिएट इसमें बोला गया पास होनी चाहिए। इसमें जो है आपको परसेंटेज नहीं बोला गया है, लेकिन बोला गया है कि आपको जो है मैथमेटिक्स फिजिक्स और उसके अलावा केमिस्ट्री बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से कोई एक होनी चाहिए, यानी जो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं वो लोग यहाँ पे अच्छे से आवेदन कर पाएंगे, यहाँ पे जो है देख सकते हैं बोला गया है। यहाँ पे जो फ्रेंड्स सैलरी की बात आती है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ट्रेनिंग के टाइम में आपको जो है स्टाइपन दिया जाता है, स्टाइपन आपको 14,600 रुपये पर मंथ मिलता है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो पे लेवल थर्ड होता है पे मैट्रिक्स 21,700 से लेकर 69,100 के बीच आपकी सैलरी होगी और यहाँ पे जो देख सकते हैं DA PA सब आपको जो है अलग से मिलेगा।
यहाँ पे फ्रेंड्स कितना ए के लिए वैकेंसी आएगी, कितना आपको एसएसआर के लिए आएगी, जैसी नोटिफिकेशन आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे आपको रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, 20 आपको उठक बैठक करने होते हैं, 10 आपको पुशअप करने होते हैं, और हाइट 157 सेंटीमीटर यहाँ पे मिनिमम बोला गया है। तो 157 सेंटीमीटर के पास हाइट है तो आप यहाँ पे आसानी से आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या क्या चाहिए। तो आपको आधार कार्ड चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, 10th 12th का मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप एनसीसी वाले हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट भी चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। फोटोग्राफ बोला गया फ्रेंड्स कि आपको जो है ब्लू बैकग्राउंड के साथ एक जो है फोटोग्राफ आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे हम बात करें फ्रेंड्स ओल्ड नोटिफिकेशन की, तो अभी न्यू नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ ही दिनों में, मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप जो है ओल्ड नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जो है दिखाता हूँ इंग्लिश वाला वर्जन में, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। यहाँ से आपको जो है पता चल जाएगा कि क्या क्वालिफिकेशन रहता है। ये वैकेंसी फ्रेंड्स हर साल आता है, देखिए पिछली साल जो वैकेंसी आई थी 2020 अगस्त में आई थी, और यहाँ पे देखिए 500 एंड 2200 जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बैच जो है अगस्त 2020 बैच था। यहाँ पे बोला गया फ्रेंड्स सेम क्वालिफिकेशन रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको और भी जानकारी बताई गई है, आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे। तो ये वैकेंसी सेम यहाँ पे आने वाली है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड जो नोटिफिकेशन है वही सेम रहता है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, एज का थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया था। जैसे अगर हम 2020 में बात करें जो वैकेंसी आई थी उसमें जो एज का बारे में बोला गया था वो क्या था, 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2003 के बीच जो आपका एज होनी चाहिए 2020 की नोटिफिकेशन के अनुसार, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आएगा तो यहाँ पे हो सकता है 2001 कर दिया जाएगा, 1 अगस्त 2001 और 31 जुलाई 2004 यहाँ पे कहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स आपका एज रहता है, तो ये जानकारी यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आपका होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपका मेडिकल चेकअप होती है, और भी यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी है। टैटू यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए, आपके बॉडी में परमानेंट टैटू अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है, ऑनलाइन कैसे करना होता है फ्रेंड्स, तो मैं जो है एक ऑनलाइन का वीडियो ला दूंगा जिस दिन ये लाइव हो जाएगा फॉर्म फिलअप, उस दिन मैं जो है वीडियो ला दूंगा, आपको इसी वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स। एक बार जो है उस वीडियो को देखनी है कि कैसे फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसके बाद से आपको खुद से फॉर्म फिल कर सकते हैं या साइबर कैफे में जाकर फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन वीडियो देखने के बाद इसे क्या होगा कि आपको पता चल जाता है कि कहीं पे मिस्टेक ना हो, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं जो है एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसके बाद से आप जो है फॉर्म को फिल करिएगा उसको देखने के बाद, ताकि आपको जो है कन्फर्म हो कि क्या क्या जानकारी पूछी जा रही है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया हाउ टू अप्लाई में कि आपको कैसे अप्लाई करना होता है, तो ये वेबसाइट होती है, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म को फिल करना होता है। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो आपको सबसे पहले एक रिटर्न एग्जाम होता है, यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड आएगा जब आप ऑनलाइन करेंगे, तो उसके बाद से आपका जो है एक एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पे जो है आपका लोकल क्षेत्र में ही आपका जो एग्जाम सेंटर होती है। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल मेल कैंडिडेट्स ही आवेदन करते हैं, फीमेल आवेदन नहीं करते हैं। तो ऑल इंडिया जितने भी मेजर सिटीज़ होती है वहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर दिए जाते हैं, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और उसमें आपको जो देख सकते हैं बोला गया है एक कंप्यूटर एग्ज़ाम होने के बाद से एक मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट बनने के बाद से आपका जो एग्जामिनेशन होता है और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। तो ये दोनों चीज़ एक ही दिन ले लिया जाता है या एक दो दिन गैप करके लिया जाता है, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है वो और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये देख सकते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है उसमें आपको जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लिश होती है, साइंस होती है, मैथमेटिक्स होता है, जनरल नॉलेज होता है, और आपको जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको एक मार्क्स दिए जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है मल्टीपल च्वाइस यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, और आपको जो यहाँ पे रॉन्ग पेनल्टी भी लगता है अगर आप जो है किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हैं, तो उसमें जो आपको 0.25 यानी 1/4 जो आपको मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिया जाता है पेनल्टी के तौर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जानकारी यहाँ पे बताई गई है, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। आप ओल्ड नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे जो नया नोटिफिकेशन आएगा, मैं जैसे ही आएगा फ्रेंड्स मैं जो अपडेट कर दूंगा dshelpingforever.com की वेबसाइट पे, और यहाँ से आप जो है जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये जो देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन विंडो फॉर सेलर एंट्री, बहुत ही जल्द आ जाएगा एप्लीकेशन विंडो इसका, और 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक जो आपको फॉर्म को फिल करना है, तो काफ़ी कम समय मिलता है फ्रेंड्स फॉर्म फिल करना, 5 से 10 दिन का ही समय रहता है।
तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपको जो है नोटिफिकेशन को चेक करना है और यहीं से आपको फॉर्म भी फिलअप किया जाएगा। तो जैसे ही आएगा फॉर्म फिलअप, मैं जो है एक अलग से वीडियो ला दूंगा किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस सर्विंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।